हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमकीन की रेसिपी, जो हम घर में बनाएंगे, वो भी मिनटों में। ये है दिवाली की जो फीकी वाली खीलें होती हैं, बच जाती हैं, फुलिया बोलते हैं, खील बोलते हैं फीकी वाली, ये वो है। इसकी हम नमकीन बनाएंगे, बहुत ही क्रंची बनती है और पॉपकॉर्न जैसा ही टेस्ट आता है। ये मैंने वही वाली खील ली है। ये मेरे पास बटर है, होममेड बटर है। आप चाहें तो बाहर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड, या फिर कोई और ऑयल जो घर का है वो यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, करी लीव्स हैं, और ये मसाले हैं। मसाले में मैंने वाइट सॉल्ट, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, आमचूर पाउडर और चाट मसाला लिया है। मसाले तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, खील को अच्छे से साफ़ करना है, वॉश नहीं करना, साफ़ करना है। मीन्स कोई ऐसे ना जीरी वगैरह निकलती है, देखो मैंने निकाली हुई है, ये जीरी वगैरह निकलती है, बस इसको हमने या इससे अलग कर देना है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर दिया। अभी हम इसमें रखेंगे अपना बर्तन जिसमें हम बनाएंगे। मैं इसमें बनाने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपना बटर, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। जब बटर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। ये बस हमने इसमें बटर ऐड कर दिया। झट से बनने वाली है ये रेसिपी नमकीन, बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ट्राई करना। ये बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी लीव्स और ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने दोनों ऐड कर दिए। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, और ये जो कड़ी लीव्स हैं बहुत क्रंची हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। ऐसे ही पोहे की नमकीन होती है, खाई होगी आपने चिवड़े की, उसमें ये बहुत अच्छे लगते हैं कड़ी लीव्स। इसको अभी हम रोस्ट करेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स और करी लीव्स हमारे रेडी हो गए, रोस्ट हो गए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। बस अब मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके, तो मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें अपनी वो खील ऐड कर देंगे। को करें अच्छे से मिक्स। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका कलर आ जाएगा येलो, क्योंकि हमने हल्दी डाली है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो इसका कलर ज़्यादा डार्क आ जाएगा येलो। बस इसको मिक्स करते जाएं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए कलर येलो आ रहा है। ऑलमोस्ट हमारी नमकीन बन के रेडी हो गई है, क्रंची सी हो गई है। इसमें जो कड़ी लीव्स हैं वो भी क्रंची हो गए, और ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी रोस्ट हो गए हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया। ये मिनटों में बनने वाली नमकीन है, बस लो फ्लेम पर ही इसको बनाएं। ये देखिए ये बन के रेडी है। अब मैंने गैस को कर दिया बंद। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर अपने कंटेनर में डाल देंगे, और ये क्रंची सी हो गई है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी झटपट सी रेसिपी रेडी हो गई है, झट से बनने वाली नमकीन घर पे ही रेडी हो गई है। कोई मसाले नहीं इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी कलरफुल लगती है। अगर चीज़ दिखने में ही अच्छी लग रही हो तो खाने में तो टेस्टी होगी ही। और हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।